की मदद आपसे कम अज कम पानी का मसला रिजॉल्व कर सकते हैं। सोशल मीडिया यूज करके अपने लीडर्स के नाक में दम कर दिया जाए कि खबीसो हमारे टैक्स के पैसों से ना अपने पेट पालने बंद करो और डैम्स बनाओ, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाओ, कुछ करो खुदा दा वास्ता तुहानू। ये लोग तो पाकिस्तान को खा पी के रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर हम लोगों ने मुश्किल वक्त देखना है। गवर्नमेंट को होश में लाओ, खुद पानी को एहतियात से इस्तेमाल करो। जहाँ एक लीटर से काम चल सकता है वहाँ चार लीटर जाया ना करो। बर्तन कम से कम पानी में धो, कम पानी जाया करते हुए नहाओ, घर के पाइप्स में लीकेजेस को ठीक करो, पानी के नल को ठीक से बंद करो। ये जो टिप टिप होती है ना, इससे भी कितने लीटर पानी जाया हो जाता है। कपड़े धोते हुए एहतियात करो, पानी जितनी बार हो सके उसको रिसाइकिल करो। गाड़ी को कम से कम पानी में धो। जरा सोचो यार, पानी अगर खुदा न खास्ता खत्म हो गया ना, तो सिर्फ पानी खत्म नहीं होगा, फसलें खत्म होंगी, जानवर खत्म होंगे, पानी के साथ साथ खाना भी जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो जो टिंडे आज तुम खाते हुए नाक चढ़ाते हो ना, कल को ये भी नहीं मिलना है, और अगर मिलेंगे भी तो बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि आपका अपना मुल्क तो बंजर हो चुका होगा। तो फल, सब्जियां, दालें, गोश्त आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जानवर कैसे जिंदा रखोगे, मटन, बीफ, चिकन कैसे खाओगे? तो मेरे मुल्क के लोगों, होश करो और हिम्मत करो। जब सारी कौम इकट्ठी होगी ना, तो डैम के अगेंस्ट लोग भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सब इश्यूज, इख्तलाफ, पॉलिटिकल डिस्प्यूट को साइड पे रख कर ये छोड़ दो कि नवाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान अच्छा है। भाई हमारे लिए सीधी सी बात है, सिर्फ वही अच्छा है जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स छोड़ के हमारे लिए कुछ करेगा, पानी के लिए कुछ करेगा। और अब जाहिर है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को कम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, टैंकियों में जमा कर सकते हैं, पर लार्ज स्केल पे तो हमारे लीडर्स ही कुछ करेंगे, जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ना उम्मीद ही क्योंकि गुनाह है, तो हम उम्मीद अल्लाह से रखते हैं कि वही है जो इनकी नीयत और इनके दिल बदल दे, हमारे मुल्क पे रहम कर दे। हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट हर साल छोटा या बड़ा सैलाब आता है। क्यों आता है? ज्यादातर यहाँ तो बारिशें ज्यादा हो जाती हैं या इंडिया पानी छोड़ देता है, और उस सैलाब से कितना नुकसान होता है ये सब जानते हैं। हर साल हमारे न्यूज चैनल्स गला फाड़ फाड़ के ब्रेकिंग न्यूज दे रहे होते हैं, लेकिन उसका किसी पर असर होता है नहीं। हम न्यूज सुनते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, एक लंबी आह भरते हैं और भूल जाते हैं। काश उस नुकसान को देख के कोई उठता और पानी को स्टोर करने के लिए कोई प्लान बनाता, ताकि जब अगली बार पानी ज्यादा हो जाए तो सैलाब ना आए बल्कि पानी स्टोर हो जाए। पर नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। कोई बात नहीं, अब सोच लो, इस मुल्क को कैद से बचा लो। इतनी बड़ी सीट्स पर बैठे हो, इतनी इख्तियारात हैं, कुछ तो, मैं कहती हूँ कुछ तो इस मुल्क के लिए अच्छा कर जाओ। खुदा की कसम नहीं मरोगे। अब तो छोड़ दो, अब तो सोच लो पाकिस्तान का, उन लोगों का सोच लो जो तुम्हें वोट देते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ फनी नहीं मिला, क्योंकि ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हंसा जाए। तो चलो इस वीडियो को शेयर करो, अपना हिस्सा डालो और कोशिश करो कि इस क्राइसिस से निकल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।